एक बहुत बड़ी तबाही से दुनिया में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। जमीन पर उगाने के लिए कुछ नहीं बचा। फसलों के जो बीज बचे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग और शदीद माहौलियाती तगैरात की वजह से अब उग नहीं पा रहे। मगर इंसानों से बहुत दूर सर्द तरीन जजीरे पर बर्फानी पहाड़ की गहराई में एक पुरिसरार अमारत है, जहां इंसानों के मुस्तकबिल के लिए एक इंतहाई अहम वसीले का जखीरा महफूज है। ये जखीरा कोयले, तेल या कीमती मादनियात का नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी फसलों से लेकर मौजूदा दौर की फसलों की तमाम अकसाम तक हर एक के सेहतमंद बीजों का जखीरा है। डूम्सडे वॉल्ट, ये कोई तसव्वुराती इमारत नहीं, बल्कि नॉर्वे और कुतुब शुमाली के दरमियान ऐसी खुफिया इमारत है जहां से किसी आम इंसान का गुजर मुमकिन नहीं। गो के इस इमारत में मनफी 20 डिग्री दर्जा हरारत को बरकरार रखने का मस्नूई निजाम मौजूद है। अगर ये मस्नूई निजाम काम करना बंद भी कर दे तो भी वॉल्ट का दर्जा हरारत कमोबेश वही रहेगा। इस इमारत को कुछ इस तरह तामीर किया गया है कि कुदरती आफात जैसा कि जलजले या ग्लेशियर्स पिघलने की सूरत में भी वॉल्ट में रखे बीज 200 साल तक महफूज रहेंगे। अभी हम वक्त के उस मुकाम पर नहीं पहुंचे जहां जमीन पर ऐसी बर्बादी हुई हो कि फसलों का उगना मुश्किल हो जाए, मगर तीसरी जंग अजीम अगर हुई तो वो एक एटमी जंग होगी जिसकी वजह से क्यामत से पहले भी एक क्यामत बर्पा हो जाएगी। दुनिया के बेशतर इलाकों में ज्यादा पैदावार वाले बीजों पर इन्हसार की वजह से 90% अकसाम पहले ही नापैद हो चुकी हैं। आने वाले दौर में बढ़ती माहौलियाती शिद्दत में शायद फसलों की ये अकसाम भी बच ना पाए, क्योंकि इंसानों की तरह पौधों में माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत नहीं होती। इसी जरूरत के पेश नजर साइंसदानों ने मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल बीजों को महफूज कर लिया है ताकि बवक्ते जरूरत हर तरह के माहौल में उगने वाली फसलों का बंदोबस्त किया जा सके। डूम्सडे वॉल्ट यानी तबाही के दिन से बचाने वाली जगह। इस इमारत को साइंसदान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से भी तशबीह देते हैं, मगर इसका असली नाम ग्लोबल सीड वॉल्ट है, जिसे द क्रॉप ट्रस्ट ने नॉर्वे की हकूमत की माली मुआवनत से बनाया है। इस इमारत में 13,000 साल की ज़रात पूरी दुनिया की फसलों की 9,30,000 अकसाम की सूरत में मौजूद है। दुनिया की हर फसल की तमाम अकसाम के बीजों को इकट्ठा करने के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक में 1700 जीन बैंक कायम हैं, जो अपने अपने मुल्कों के बीजों को महफूज करके इन्हें अपने पास भी रखते हैं और इन्हें ग्लोबल सीड वॉल्ट में भी पहुंचा देते हैं। यूं ग्लोबल सीड वॉल्ट एक तरह से अपने डिपॉजिटर्स के लिए बैकअप का काम भी करता है। पाकिस्तान में जीन बैंक बायो रिसोर्स इंस्टीट्यूट के पाकिस्तान प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोग्राम के तहत काम कर रहा है। इस इदारे ने कराक्रम के मनफी 20 डिग्री दर्जा हरारत वाले सर्द इलाकों से लेकर 50 डिग्री दर्जा हरारत वाले गर्म इलाकों तक के बीज महफूज किए हैं। 18 फसलों की 32 अनवा पर मुश्तमिल इन बीजों की तादाद 20 लाख से ज्यादा है। 2012 में शाम में जंग की वजह से वहां मौजूद इकार्डा नामी इदारे को अपना जीन बैंक छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इस जीन बैंक में गंदम और जौ की इंतहाई कीमती और दुनिया की कदीम तरीन अकसाम के बीज भी शामिल थे, लिहाजा 2015 में इस इदारे ने मोरक्को और लिबनान में दोबारा अपने जीन बैंक बनाए और इन बीजों को स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट से हासिल करके इन्हें कामयाबी से काश्त किया गया और फसल उगने पर हासिल किए गए बीजों को दोबारा स्वालबार्ड पहुंचा दिया गया। यूं पहली बार ग्लोबल सीड वॉल्ट का मौजूदा दौर में फायदा उठाया गया। फसलों का वजूद इंसानी जिंदगी के लिए इतना ही जरूरी है जितना हवा और पानी।
अगर जमीन पर फसलें ना उगती तो इंसानों, जानवरों और परिंदों का वजूद ही ना होता। साइंसदानों का कहना है कि आम इंसानों को इस बात का अंदाजा नहीं कि जमीन पर उगने वाली ज्यादातर फसलें नापैद हो चुकी हैं और ये सिलसिला आने वाली नस्लों की बका के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। बहुत से साइंसदानों के नजदीक इन फसलों के बीजों की हिफाजत इंसानी जिंदगी की हिफाजत के मुतरादिफ है और इस मुकद्दस फरीजे की खातिर वो लाजवाल कुर्बानियां दे चुके हैं। वॉल्ट में मौजूद बीजों के सबसे तारीखी जखायर में से एक सेंट पीटर्सबर्ग के वाविलोफ रिसर्च इंस्टीट्यूट से आता है। दूसरी जंग अजीम में लिनिनग्राद के महासरे के दौरान एक दर्जन के करीब साइंसदानों ने खुद को बीजों वाले कमरे में बंद कर लिया ताकि बीजों को शहरियों और जर्मन फौजियों से बचाया जा सके। ये महासरा इतना तवील हो गया कि इनमें से बहुत से साइंसदान भूख से मर गए। रूस की बहाली और इंसानों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए इनके नजदीक इन बीजों की हिफाजत उनकी जान से भी ज्यादा जरूरी थी। ग्लोबल सीड वॉल्ट दुनिया की तमाम सियासी, नस्ली और मजहबी इख्तलाफात से मावरा इंसान दोस्त साइंसदानों की अजमत का सबूत है। जब तक यह इमारत मौजूद है, ये हमें याद दिलाती रहेगी कि जमीन पर हमारी बका जंग में नहीं बल्कि अमन और मोहब्बत में है।